हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। जैसे कि दोस्तों लास्ट एक वीडियो में बताया था कि जोरो में मैं ज्वाइनिंग करने वाला हूं, ओके तो आज मैं जोरो में ज्वाइनिंग कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में सिंपली आप लोगों को बताने वाला हूं कि जोरो में पहला दिन कैसे काम किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर को कैसे कम्प्लीट करते हैं, कैसे ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देख सकते हैं मैंने जोरो का टी शर्ट भी पहन लिया और पीछे जोरो का बैग भी रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा बैग है, छोटा सा बैग है, कॉम्पैक्ट बैग है, काफ़ी लाइट वेट भी है, तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं लॉगिन कर चुका हूँ दोस्तों, पहला वाला ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं पहला वाला ऑर्डर मुझे कब मिलता है, जैसे मिलता है उसको फिर आप लोगों को मैं शो करता हूँ, ओके। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली दोस्तों पहला दिन जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे आपको अपना लाइव लोकेशन शेयर करना पड़ता है कि हाँ मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ। ये कंपनी का व्हाट्सअप ग्रुप होता है, तो वहाँ पे आपको अपना लाइव लोकेशन शेयर करना पड़ता है, वो आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा पहला दिन, ओके। तो यहीं पे वेट करते, ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं, ओके। बेसिकली आप अपने एरिया में जोन में आने के बाद आपको उसी लोकेशन पर आपको वेट करना पड़ता है, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे जोमेटो स्विगी में या फिर दूसरा डिलीवरी कंपनी में क्या होता है ना कि आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है ऑर्डर लेने के लिए, अदरवाइज़ कंपनी आपको ऑर्डर नहीं देगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, आप कहीं पर भी खड़ा हो सकते हो, जहाँ पर भी आपका मन चाहे, आपको अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे बैठने का जगह है, पार्क है कोई आसपास, तो वहाँ पे आराम से आप वेट कीजिए ऑर्डर का, जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद फिर जाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर प्लेस में आपको जाएंगे तो ये ऑर्डर मिलेगा, आप बस अपने एरिया के अंदर एक जोन होता है, उस जोन के अंदर जिस जोन में आप काम करना चाहते हैं बस उस जोन में रहना, उसके बाद कंपनी ऑर्डर देगी आपको खुद, ओके। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, अभी तक कोई ऑर्डर मुझे मिला नहीं है, देखते हैं कब मिलता है ऑर्डर। दोस्तों जोरो से मुझे आज का पहला वाला ऑर्डर मिल चुका है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरह से है, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ओके। जैसे ऑर्डर आएगा आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन में कि ऑर्डर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे हूँ, कस्टमर का लोकेशन यहीं पे पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन में शो होगा, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। एक्टिव ऑर्डर बोल के यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुका है, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। टोटल 4.3 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पे ओपन इन गूगल मैप बोल के लिखा हुआ, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मुझे एड्रेस नहीं मालूम एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे ओपन गूगल मैप करता हूँ मैं। तो चलो आज का पहला वाला ऑर्डर भी मिल चुका है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, पास का ही है, चलो दोस्तों चलते हैं। तो कस्टमर के लोकेशन में कुछ इस तरह से आप लोगों को पहुँचना होगा गूगल मैप चेक करके, ओके। तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच चुका हूं दोस्तों, कस्टमर के लोकेशन यही दिखा रहा था, ओके। तो कस्टमर के लोकेशन में पहुंच चुका हूं, अब यहां पे करना क्या है, मुझे कॉल करना होगा कस्टमर को। हाँ अच्छा, अपना पार्सल, रुकिए एक सेकंड, अच्छा ये डिलीवर करना है, ओके एक सेकंड। तो यहां पे पार्सल ले लियो, पिकअप पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो क्लिक करना पड़ता है, तो एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा कुछ ओटीपी है आपके पास, एप्लीकेशन में कोई ओटीपी जाएगा, 4123, ओके ओटीपी एंड देन पिकअप। दोस्तों पिकअप हो चुका है, अब मुझे ड्रॉप लोकेशन में जाना है, ओके थैंक यू, ठीक है। तो इस पार्सल को बैग में रख लेते हैं, छोटा सा पार्सल आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, तो बैग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब वो जोमेटो का जो बैग होता है छोटा टाइप का, वैसे ही बैग है, ज़्यादा बड़ा बैग नहीं है। कई बार क्या होता है कि कंपनी बहुत बड़ी बड़ी बैग दे देता है, जिसमें जिसको हैंडल करना भी थोड़ा सा टफ होता है। तो यहाँ पर देखो मैं रेनकोट लेके आया था, तो बारिश का टाइम है ना, तो आप लोग भी रेनकोट लेके काम करो तो अच्छा होगा। तो देख लेते हैं ड्रॉप लोकेशन कहाँ पर है और कितना किलोमीटर है यहाँ से, ओके। तो एड्रेस मुझे मालूम नहीं है, तो उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस गूगल मैप फॉलो करके आपको जाना पड़ता है, ओके। तो मैं यहाँ पे 4.7 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से, ओके। तो कुछ इस तरह से आपको लोकेशन देख के जाना होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम है दोस्तों, ऐसा नहीं है बहुत ही डिफरेंट होगा, नया कंपनी है तो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यदि आप लोग जोमेटो स्विगी या फिर किसी भी डिलीवरी कंपनी में इससे पहले काम कर चुके हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होगा ये काम, अदरवाइज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे काम करना होता है, कैसे डिलीवर करना होता है पार्सल को, ओके। कस्टमर के लोकेशन में पहुंच रहा हूं, उसके बाद फिर पहुंच के आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि वहां पे फिर क्या करना पड़ता है।
दोस्तों मैं ऑलमोस्ट कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। आई थिंक यही लोकेशन शो तो कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे रुक के कस्टमर को कॉल करता हूँ अब। तो एग्जैक्ट लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं। तो एप्लीकेशन में अपडेट थोड़ा सा लेट हो रहा है, अभी यहाँ पे हुआ नहीं अपडेट ठीक से। देखते रिफ्रेश करता हूँ एक बार। हाँ अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ मैं कस्टमर के लोकेशन में पहुँच चुका हूँ। तो अब यहाँ पे ना कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। अब मैं कस्टमर के लोकेशन में पहुँच चुका हूँ, कुछ करना नहीं रहता ठीक है। जैसे कि दूसरा एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको लोकेशन में पहुँचने के बाद भी रीच कस्टमर लोकेशन ऐसा कुछ करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना होगा। अब सीधा गूगल में आप देख के कस्टमर के लोकेशन पे पहुँच जाइए, उसके बाद फिर कस्टमर को कॉल कीजिए। मैम एक OTP होगा 2258 जी। थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से आपको ऑर्डर को डिलीवर करना रहता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके अब देखो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, OTP लेने के बाद एप्लीकेशन में भी शो होगा कि ऑर्डर अभी भी है। आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन को रीओपन करना है ठीक है, उसके बाद ऑल ऑर्डर पे जाना है। यहाँ पे ऐसे कि लोड लोड ले रहा है, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। मतलब सिंपली आपको रिफ्रेश करना है। ओके फिर एक्टिव ऑर्डर पे जाएंगे, देखेंगे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इस कंपनी की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जैसे मैंने ये 4 किलोमीटर ट्रेवलिंग किया ओके पार्सल को डिलीवर करने के लिए, तो ये 4 किलोमीटर में मेरा जो पेट्रोल का खर्चा हुआ ना, ये भी कंपनी प्रोवाइड कर देगी। 3 रुपया 14 पैसा करके कंपनी पेट्रोल का खर्चा देती है, जो कि शायद ही आजकल किसी कोई भी कंपनी देती होगी। जैसे मैंने वीडियो में भी बताया था लास्ट वाला वीडियो में कि कंपनी पेट्रोल का भी पैसा देता है, कितना पैसा देता है वो मैंने शायद नहीं बताया। 3 रुपया 14 पैसा करके पर किलोमीटर का आपको कंपनी पेट्रोल का पैसा देती है, वो भी एडवांस में। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन से आपको कंपनी पैसा देगी एडवांस में। ओके तो ये सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की, जो मुझे लगा कि भाई एक तो फिक्स सैलरी आपका, ऊपर से फिर जो बाइक चला रहे इसका पेट्रोल का जो खर्चा वो भी कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ तो उसके लिए भी कंपनी मुझे एक्स्ट्रा पैसा देती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। मतलब मेरा टोटल यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ही हो रहा है काम करके, लॉस मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ हो भी रहा है। और पेट्रोल का जो पैसा दे रही है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। आपको आपको उतना बाइक नहीं चलेगा उससे ज़्यादा का कंपनी आपको पैसा दे दे रही है। 100 किलोमीटर अगर आप बाइक चलाएंगे ना तो कंपनी आपको 314 रुपया तो कन्फर्म है कि देगी, और 100 किलोमीटर के हिसाब से आपको मैक्सिमम 250 रुपया का पेट्रोल जाएगा, तो फिर भी आपको 50-60 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी आपको पे कर दे रही है। ओके तो मंथ का आपका एक्स्ट्रा कितना हो गया, 1500 रुपया एक्स्ट्रा आपको अलग से कंपनी पे कर दी है पेट्रोल का। तो देख रहे हो ना, 15,000 प्लस 1500 इधर से हो गया 16,000, और एक्स्ट्रा टाइम अगर देंगे तो उसका भी 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेंगे। मतलब 17-18 हज़ार तो आप मंथली उठा सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो। अब देखते हैं, मैं यहीं पे वेट करूँगा, ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं, नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं यहीं पे। तो इसका सबसे अच्छी बात पता है कि आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता। जैसे जोमेटो स्विगी में क्या होता है कि आपको दूसरे लोकेशन में जाए डिलीवर करने के बाद आपको कोई आसपास जो रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे आके वेट करना पड़ेगा ऑर्डर का, तभी कंपनी आपको ऑर्डर देगी। बट इसमें ऐसा नहीं है, अभी मैं यहीं पे सोचता हूँ कि वेट करता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर का। दोस्तों मुझे एक और ऑर्डर मिल चुका है, और ये दोस्तों फूड का ऑर्डर है। यहाँ पे आप लोग चेक कर पा रहे होंगे एडिशनल इंस्ट्रक्शन बोल के लिखा हुआ, यहाँ पे फूड ऑर्डर बोल के आ रहा है, और पेमेंट मेथड पेड है, यानी कि ये भी पेड ऑर्डर है। COD होता तो शायद यहाँ पे कैश कलेक्ट बोल के लिखा हुआ आता, अगर कोई COD ऑर्डर मिलता तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके और यहाँ से 3.4 किलोमीटर ओके इतना कुछ शो कर रहा है। ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी अच्छे लास्ट 4 डिजिट 8246। तो दोस्तों यहाँ पे फूड का ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पे देखो लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है ऑर्डर आईडी, तो यहाँ पे आपको बताना होगा जैसे जोमेटो स्विगी में होता है। ओके
तो यहाँ पे आइटम एक्चुअली क्या है ये शो नहीं हो रहा है। फूड का ऑर्डर है इतना पता है, लेकिन फूड के ऑर्डर में आइटम क्या होता है, जैसे जोमेटो स्विगी के एप्लीकेशन में होता है ना कि आइटम शो करता है कि हाँ ये आइटम है और कितना आइटम है, कितना क्वांटिटी है, वो भी अगर यहाँ पे शो हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली दोस्तों, एक और बात का ध्यान रखना, जब भी कोई आप पार्सल या फिर कोई फूड का ऑर्डर लेके जा रहे हो ना, तो कोशिश करो उसको अच्छे से लेके जाना है, मतलब कोई डैमेज ना हो, क्योंकि भाई ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंपनी आपको पार्सल दिया है, ऑर्डर दिया है फूड का, उसको अच्छे से आपको डिलीवर करना है बिना डैमेज किया। तो ठीक है, तो आराम से आना, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं होती है दोस्तों कि आपको जल्दी जल्दी आके ऑर्डर को डिलीवर करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप आराम से ऑर्डर को जाके डिलीवर कर सकते हैं। तो कस्टमर के लोकेशन में अशोक आई थिंक कि यही वाला बिल्डिंग होगा, यही टावर शो कर रहा है, लोकेशन भी इधर ही दिखा रहा है। तो चलो सिक्योरिटी गार्ड से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 7 फूड डिलीवरी। तो दोस्तों सेकेंड वाला ऑर्डर जैसे मैंने डिलीवर किया ना, तो आज का तीसरा वाला ऑर्डर भी मुझे मिल गया। दोस्तों मैं जाम में फंस चुका हूँ, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ऑर्डर जल्दी डिलीवर करना होगा तभी जाके मुझे कोई नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा, तो मैं आराम से जा भी रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, ट्रैफिक है तो भाई आराम से चलो, ज़्यादा कट मारने की ज़रूरत नहीं है, जो कि दूसरे कंपनी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप ज़्यादा डिले कर दोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ओके, आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग जाती है। तो आपको क्या जल्दी जल्दी हमेशा रहता है कि जल्दी जल्दी जाके ऑर्डर डिलीवर करो, जल्दी जल्दी करो, तभी जाके आपको कोई नया ऑर्डर मिलेगा और तभी जाके आपको कुछ अर्निंग होगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा तो अर्निंग नहीं होगा। और यहाँ पे ऑर्डर मिले या ना मिले, आपका तो एक फिक्स सैलरी है भाई, कंपनी आपको पैसा देगी, ओके। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगा। हेलो मैम, ज़ोरों से बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन पर आ चुका हूँ मैं, बट ये भागीरथी बोल के लिखा हुआ एक बिल्डिंग में, टी जंक्शन बोले एक छोटा सा चाय का दुकान है बिल्डिंग के नीचे। अच्छा, उसके बगल वाला बिल्डिंग। अच्छा, ठीक है ओके, शुभम बिल्डिंग, हाँ ठीक। अरे किचन एड बोले लिखा होगा ना, ओके, तो 8th फ्लोर पे मुझे जाना होगा, किचन एड बोल के है। तो ये जो ऑर्डर था ना, बिजनेस टू बिजनेस ऑर्डर है, तो यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, ओके, इस तरह के ऑर्डर मिल सकते हैं। तो सभी ऑर्डर मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया हूँ, तो जाता हूँ पार्सल को डिलीवर करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ओके। दोस्तों यदि आप लोग डेली के जो झंझट होता ना, जैसे कि आप किसी भी डिलीवरी कंपनी में काम करेंगे, तो सबसे बड़ा जो झंझट होता है, जो हेडेक होता है, वो है भाई ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, आपको हमेशा ये डाउट रहता है भाई कितना ऑर्डर आज मिलेगा, यार आज ऑर्डर अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो अच्छा अर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा ना एक हेडेक रहता है दिमाग में कि भाई ऑर्डर नहीं मिलेगा तो अर्निंग नहीं होगा। आप किसी भी कंपनी में काम कर लोगे, आपको यही प्रॉब्लम हमेशा मिलेगा। कंपनी आपको तभी पैसा देगी जब आप कोई ऑर्डर डिलीवर करते हो, कंप्लीट करते हो, बट दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैंने पहले वाला वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर कंपनी दे या ना दे, आपका तो एक फिक्स सैलरी, आप उस टेंशन से मुक्त है, और महीना के चलो मेरा तो इतना सैलरी मिल जाएगा, बस मुझे लॉगिन आवर्स कंप्लीट करना पड़ता है। मेरा दिन का जो जितना घंटा मेरा लॉगिन मैंने चूज़ किया है कि मैं 8 घंटा काम करूँगा कि 10 घंटा कि 12 घंटा, उस हिसाब से अगर आप अपने लॉगिन आवर्स कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको पूरा पैसा देगी, ओके। और रही बात ऑर्डर डिलीवर करने में जो पेट्रोल का खर्चा होगा, वो भी तो कंपनी दे ही रही है, तो बेसिकली इसमें मेरा कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस लॉगिन करना है, कंपनी ऑर्डर दी तो ठीक है डिलीवर करेंगे, नहीं दिया तो चुपचाप बैठे रहेंगे आराम से अपने एक जगह पे। तो यहाँ पे देखो टेंशन फ्री आप काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में टेंशन फ्री आप काम करें, तो मैं कहूँगा आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई भी हेडेक नहीं है, मुझे तो अभी तक कुछ हेडेक दिखा नहीं है। OTP का जो इशू है वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है व्हाट्सएप पे, जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा तो कंपनी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगी पिकअप OTP ये है, ड्रॉप OTP ये है, तो आपको कस्टमर से भी OTP मांगने का भी टेंशन नहीं रहता है कि सर OTP दीजिए, ये दीजिए, बस आपको
जब आप ऑर्डर डिलीवर करने जाएंगे ना, तो उस टाइम बस आपको एक फ़ोटो क्लिक करना रहता है। अगर कैश ऑन डिलीवरी का रहा तो वहाँ पे कैश शो हो जाता है कि हाँ कैश का ऑर्डर है, तो प्लीज़ कैश कलेक्ट कर लेना। अदरवाइज पेड ऑर्डर रहता है तो बस फ़ोटो क्लिक करके डिलीवर मार्क कर देना, वहाँ पे OTP आएगा, OTP देना, बस काम ख़त्म। और दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कैसे ऐसे पार्सल मिलते हैं, छोटे छोटे पार्सल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आपको पार्सल दे दिए जाएंगे जैसे कि आपको दूसरे कंपनी में होती है, बहुत बड़े बड़े लोग पार्सल दे देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा है छोटे छोटे पार्सल आते हैं, और इस बैग में जितना बड़ा पार्सल घुसेगा कंपनी उतना बड़ा ही आपको पार्सल देगी। और बैग भी आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ, बहुत ही छोटा बैग है, कॉम्पैक्ट बैग है। तो कंपनी ने कहा कि 12 kg से ज़्यादा का कोई भी सामान नहीं देगा अगर पार्सल का हुआ तो ठीक है भाई, इतना भी ख़राब नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई फिक्स सैलरी मिल रहा है, टेंशन फ्री काम कर सकते हो आप लोग। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप काम करना चाहते हो टेंशन फ्री तो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस वीडियो का चेक कर लेना, ओके। अदरवाइज दोस्तों आप डायरेक्ट जाकर ऑफिस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस है, एक फ़ोन नंबर भी है ऑफिस का, वहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके आप जा सकते हो, ओके। और चाहे तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन सारे कर सकते हो, उसके बाद फिर बैक टी शर्ट के लिए आप ऑफिस जा सकते हो, ऑफिस जाके ले सकते हो बैक टी शर्ट। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना रहा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछ लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो से, तब तक लिए जय हिंद।